करियर मेकिंग जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए माई इंडिया माई डेवलपमेंट चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आशीष शुक्ला और माई इंडिया माई डेवलपमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा ग्रोइंग इंडस्ट्री मानी जाती है क्योंकि हमारे देश में जितनी आबादी है उतने ही हमारे पास व्हीकल्स भी है। तो दोस्तों, ये जो इंडस्ट्री है इसमें हमेशा डिमांड जो है वो बनी रहती है। तो दोस्तों, आज मैं आपको ऑटोमोबाइल से रिलेटेड ऐसे 10 बिजनेस आइडिया बताऊँगा जिसे करके आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम इसी तरह के बिजनेस आइडिया लाते रहते हैं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं ये 10 ऑटोमोबाइल बिजनेस आइडिया कौन से हैं। दोस्तों, हमारा जो पहला बिजनेस आइडिया है वो है कार एंड बाइक्स वॉशिंग सेंटर। दोस्तों, चाहे हमारे पास कार हो या बाइक हो, सर्विसिंग से पहले या कोई फेस्टिवल है, हमें कार या बाइक्स वॉशिंग की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में ये जो बिजनेस है ये काफ़ी डिमांडिंग बिजनेस साबित होता है। दोस्तों, इस बिजनेस को करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा लागत की भी ज़रूरत नहीं होती है। अगर हमारे पास जगह है तो हम आसानी से इस बिजनेस को खोल सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों, हमारा जो दूसरा बिजनेस आइडिया है वो है सर्विसिंग सेंटर। दोस्तों, अगर आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में टेक्निकल नॉलेज रखते हैं तो आप सर्विसिंग सेंटर खोल सकते हैं जिसमें आप खुद सर्विसिंग कर सकते हैं या कुछ लोगों को रख करके आप एक अच्छा खासा वर्कशॉप चला सकते हैं जिसमें आप कार्स है या बाइक्स है इनकी कोई ब्रांड की एजेंसी लेकर के भी आप उसका वर्कशॉप चला सकते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। अगर आपके पास खुद की जगह है या आप अगर रेंट पर जगह लेते हैं, कोई भी कंडीशन में ये जो बिजनेस है ये आपके लिए काफ़ी अच्छे प्रॉफिट का सौदा साबित होता है। दोस्तों, हमारे लिस्ट में जो तीसरा बिजनेस आइडिया है वो है नंबर प्लेट डिजाइनिंग बिजनेस। दोस्तों, ये एक ऐसा बिजनेस है जो आप कहीं पर भी स्टार्ट कर सकते हो और बहुत ही छोटे से छोटे इन्वेस्टमेंट में इस बिजनेस को आप स्टार्ट करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। दोस्तों, इस बिजनेस को करने के लिए आपको बहुत ना तो शॉप्स की ज़रूरत है ना तो कोई बहुत हेवी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। आपको सिर्फ एक प्रिंटर की ज़रूरत होगी और आप इस बिजनेस को रोड के साइड में एक छोटे से स्टॉल में भी आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि दोस्तों हर किसी को नंबर प्लेट की ज़रूरत होती है और साथ ही साथ हमें बाइक्स है या कार्स है उसमें कुछ ना कुछ हम लोगो चिपकाते हैं और लोगों को बहुत अलग अलग तरीके के डिजाइन का शौक होता है जिसकी प्रिंट करके आप इसमें अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। दोस्तों, हमारा जो चौथा बिजनेस आइडिया है वो है कार एंड बाइक सीट कवर बिजनेस। दोस्तों, जनरली आपने देखा होगा रोड साइड में आप कई सारे स्टॉल देखते हैं जहां टू व्हीलर्स के सीट कवर लगे होते हैं और हर सीजन में हमें अलग अलग तरीके के सीट कवर की जरूरत होती है। ऐसे में जो बिजनेस है ये हमेशा काफी डिमांड में रहता है और दोस्तों इस बिजनेस को करने के लिए ना तो आपको कोई बहुत पक्के शॉप की जरूरत है, आप एक छोटे से रोड साइड स्टॉल डाल करके भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें कमा सकते हैं। दोस्तों, हमारा जो पांचवा बिजनेस आइडिया है वो है कार एंड बाइक स्पेयर पार्ट्स सेंटर। दोस्तों, आप स्पेयर पार्ट्स का शॉप डाल के काफी अच्छा प्रॉफिट इस बिजनेस में कमा सकते हैं क्योंकि जहां जहां सर्विसिंग होती है उन्हें स्पेयर पार्ट्स की भी जरूरत होगी और अगर आप इसी तरीके के किसी सर्विसिंग सेंटर के पास अपने शॉप को खोलते हैं तो यहां से आपको ऑल टाइम बहुत अच्छे ऑर्डर्स आते रहेंगे और आप काफी अच्छा प्रॉफिट इस बिजनेस से बना पाओगे। दोस्तों, हमारा जो छठवां बिजनेस आइडिया है वो है डेकोर बिजनेस। दोस्तों, चाहे हमारे पास कार हो या बाइक हो, हमें कार और बाइक्स को सजाने में बहुत मजा आता है। तो ऐसे में दोस्तों कार एंड बाइक्स का डेकोर जो बिजनेस है ये काफी ज्यादा हमेशा डिमांड में बना रहता है और जो शौकीन लोग हैं वो हमेशा इस तरीके के डेकोरेशन की जो चीजें हैं वो कार एंड बाइक्स के लिए खरीदते रहते हैं। तो दोस्तों,
इस बिजनेस को भी आप काफी अच्छे तरीके से चला सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। दोस्तों हमारा जो सातवां बिजनेस आइडिया है वो है कार एंड बाइक्स टायर बिजनेस। दोस्तों अगर कार एंड बाइक्स चलेगी तो उसके टायर्स की भी ज्यादा जरूरत होगी, तो ऐसे में आप किसी एक अच्छे एजेंसी को लेकर के टायर्स का बिजनेस खोल सकते हैं और सभी प्रकार के टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स के टायर को आप उस ब्रांड के टायर्स की रेंज को रख के अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। दोस्तों हमारा जो आठवां बिजनेस आइडिया है वो है कार अलाइनमेंट बिजनेस। दोस्तों हर फोर व्हीलर को कुछ समय बाद में अलाइनमेंट की जरूरत होती है, तो दोस्तों ऐसे में आप जो जहां पर भी सर्विसिंग होती है कार की, उनसे आप कॉन्ट्रैक्ट करके या उनसे डील करके आप उनके साइड में इस बिजनेस को खोल सकते हैं, जहां पर आप कार के जो चक्के होते हैं उसको अलाइनमेंट करने का काम कर सकते हैं। दोस्तों ये बिजनेस हमेशा डिमांड में बना रहता है, सिर्फ आपको करना ये होगा कि आपको जो सर्विसिंग सेंटर्स है उनके साथ कुछ डीलिंग करके उनके कार्स के ऑर्डर्स को लेना होगा। तो ऐसे में आपको पर्सनली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं होगी, वहाँ जो भी कार सर्विसिंग को आएगी वो अलाइनमेंट के लिए भी आपके पास आ सकती है और आप अच्छा खासा इस बिजनेस से पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों हमारा जो नवा बिजनेस आइडिया है वो है कार फास्टैग PUC सेंटर। दोस्तों अभी जैसे कि हाईवे पे नए नए नियम आते जा रहे हैं जिसमें हमें फास्टैग की जरूरत होती है, कई लोगों को कार के PUC सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, तो ऐसे में इस तरीके के सेंटर्स को खोल के आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये बिजनेस जनरली हाईवे के साइड में आप इस बिजनेस को अगर खोलेंगे तो आपको ऑर्डर्स भी ज़्यादा आएंगे, क्योंकि जो रनिंग कस्टमर्स होते हैं अगर वो PUC बनाना भूल गए या कुछ उनका प्रॉब्लम होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको डायरेक्टली भी इनके कस्टमर्स मिल सकते हैं और दोस्तों आप इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। दोस्तों अब हम चलते हैं हमारे 10वें और आखिरी बिजनेस आइडिया की तरफ, ये है कार एंड बाइक्स डीलिंग बिजनेस। दोस्तों आज के तारीख में जितने ज़्यादा नई कारें आ रही हैं उसी प्रमाण में सेकेंड हैंड कार्स एंड बाइक्स का बिजनेस भी बहुत ग्रोइंग बिजनेस है। तो दोस्तों ऐसे में आप इसका एक सेंटर डाल के उसमें फाइनेंस कंपनियों को भी इनवाइट करके अच्छा खासा बिजनेस आप इसमें चला सकते हैं और इनकी डील करके आप बीच में अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये थे 10 बिजनेस आइडिया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड। इसमें से कई बिजनेस ऐसे हैं जिनको मिला करके आप एक साथ उन बिजनेस के सेंटर्स को डाल सकते हैं, जैसे कार वॉशिंग है, सर्विसिंग है, अलाइनमेंट है, कार डेकोरेशन है, स्पेयर पार्ट्स है, इन सब बिजनेस को मिला करके भी आप एक सेंटर भी खोल सकते हो जिसमें सारी चीज़ें अवेलेबल हो। अब ये डिपेंड आप पर कहता है कि आप इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो या आपके पास कितनी जगह अवेलेबल है, जो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है और इसका जो प्रॉफिट लेवल है ये भी इन बिजनेस के आधार पर ही डिपेंड करेगा कि आप इसमें से कितना प्रॉफिट कमा सकते हो। दोस्तों इसमें से आपको कौन सा बिजनेस आइडिया सबसे ज़्यादा अच्छा लगा? अगर आप चाहते हैं कि इनमें से कोई बिजनेस आइडिया के ऊपर हम डिटेल वीडियो बनाएं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आप जो भी डिमांड करेंगे हम उस बिजनेस आइडिया के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, हम अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।